हेलो एवरीबॉडी, आप खेले कबड्डी तोड़े सबकी हड्डी। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर का, हरारत की इकाई। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो है इसकी इकाई डिस्कस करी थी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में। तो आप ज़रा देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक कितना हमको करना है। तो हरारत की जो इकाई हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एसआई यूनिट क्या लिखा जाएगा, जूल, जिसको कैपिटल जे से डिनोट किया जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसका सीजीएस यूनिट जो होगा, ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता, अगर फुल फॉर्म नहीं पता, भाई एसआई मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, क्या ना होता है सिस्टम इंटरनेशनल, अगर जिसको नहीं पता है, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल, ओके। और सीजीएस जो यूनिट है, सीजीएस जो यूनिट है, इसमें सी सी बताता है आपको सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, और जी ग्राम, और ये एस से जो है वो सेकेंड, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है हम लोग हरारत की इकाई क्या लेते हैं, कैलोरी लेते हैं, ठीक है, CAL लिखा जाएगा, जिसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सब छोटे मोटे सवाल आपको 1 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आ सकते हैं, तो याद रखिए इसको। एसआई निज़ाम में जो है इसका, एसआई सिस्टम में इसकी जो इकाई है वो जूल याद रखेंगे, ठीक है। सीजीएस में क्या याद रखोगे आप, कैलोरी याद रखें, और यही वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अर्क वाला हम लोग यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। खैर, अब आगे बात करते हैं। तो अब बेसिकली एक कैलोरी या 1 किलो कैलोरी हमने किसे कहा, इसका डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसकी तारीफ आपको आ सकती है। तो इसकी तारीफ क्या लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर टेम्परेचर भी मैटर करेगा आपका, ये टेम्परेचर यूं ही नहीं ले लिया गया है, ठीक है, इसी टेम्परेचर पर ही बात होगी। अब हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम पानी लेंगे, 1 kg। अगर आपको 1 किलो कैलोरी डिफाइन करना है कि 1 किलो कैलोरी हरारत मतलब कितना, कब जो है 1 किलो कैलोरी कहा जाएगा, सुनिएगा। 1 किलोग्राम पानी लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम एक कंटेनर में जो है वाटर लेते हैं, और जो कि कितना होगा, 1 kg, 1 किलोग्राम होगा पूरा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम पानी का दर्जा हरारत, अब शुरुआत में इसका टेम्परेचर हमको लेना है, मतलब कब कब आप बात करेंगे 1 किलो कैलोरी, तो इसका टेम्परेचर आपको 15.5 डिग्री सेल्सियस पहले मेंटेन रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, 15.5 डिग्री सेल्सियस जब पहुँचेगा, ठीक है, तो 14.5 पर आपको जो है वो क्या करना है, 14.5 डिग्री पर मेंटेन करना है। 14.5 से ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैसे होगा, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब करके, हीट को, हरारत को जज्ब करके। तो जब ये हरारत जज्ब करेगा, शुरुआत में याद रखिएगा इसका टेम्परेचर कितना, ओके, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ा भाई, देखो ज़रा कितना बढ़ा, 1 डिग्री बढ़ा, कितना डिग्री बढ़ा, 1 डिग्री बढ़ा। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ उसने क्या करी होगी, कुछ हरारत जज्ब करी होगी ना, बराबर। तो इस पानी ने जितनी भी हरारत जज्ब करी, ठीक है, हरारत की मिकदार जितना भी इसने जज्ब किया होगा, इसे 1 डिग्री बढ़ानी, यानी 14.5 से 15.5 करने में, उस हरारत को, जितनी हरारत उसने जज्ब किया, उस हरारत को क्या कहेंगे, 1 किलो कैलोरी हरारत कहेंगे, याद रखिएगा। 1 किलो कैलोरी, किलो कब आएगा, अच्छा किलो के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, किलो मतलब होता है, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा किलो, और इसका सिंबल स्मॉल के लिखा जाता है, और जिसकी वैल्यू होती है 1000। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम होता है, तो आप बोलते हैं 1000 ग्राम, कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1000, तो किलो की वैल्यू कितनी है, 1000 है। ये किलो किसी के साथ भी लग सकता है, जैसे किलोमीटर बोलूँ, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है, तो किलो की वैल्यू कितनी आई, 1000 आई। और 1000 को हम लोग ऐसे भी लिखा करते हैं 10 की कुवत 3, 10^3, ठीक है। 1000 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 10 की कुवत 3 करके देख लो भाई, 10 ज़रब 10 ज़रब 10, ठीक है, बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा करके देखिए, आप पहली मरतबा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन फिर समझ जाएंगी चीज़ें। 10 ज़रब 10 ज़रब 10 क्या होता है भाई,
हजार होता है, मतलब 3 बार 10 मल्टीप्लाई कर, 10 की कुव्वत 3 लिख सकते हैं हम। समझ आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया, ठीक। चलो तो यहां पर जब आप 1 किलोग्राम पानी, याद रखिएगा कितना ग्राम, 1 किलोग्राम पानी का दर्जा हरारत 14.5 से 15.5 डिग्री, यानी ऐसे बढ़ता है 14.5 से 15.5 1 डिग्री बढ़ने में, ये जितनी भी हरारत, जितनी भी हीट जज्ब करेगा, जितनी भी हरारत जज्ब करेगा, उस हरारत की जो मिकदार होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे वो 1 किलो कैलोरी होगा। वो कितना होगा, 1 किलो कैलोरी होगा। क्लियर हो गया बात? तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट, अगर ये किलो हटा दिया जाए इसमें, किलो, 1 किलो कैलोरी नहीं, अब आपको सिर्फ 1 कैलोरी, तो दोनों में फर्क क्या है, हम इसको ऐसे लिखा करेंगे, 1 स्मॉल k मतलब किलो, और ये CAL, तो ये इसको कहा जाएगा 1 किलो कैलोरी। तो देखो उर्दू में तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो इसको शॉर्ट में लिखा करेंगे। तो K स्टैंड्स हियर, स्टैंड्स फॉर किलो, और CAL कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी। क्लियर हो गया बात? अब इसमें अगर हम लोग K की बात नहीं करें, जैसे यहाँ किलो की बात नहीं करते, तो किलो को हटा दो, 1 कैलोरी आ गई, ठीक है। अब 1 कैलोरी कैसे डिफाइन होगा इसको समझिए, 1 किलोग्राम की जगह किलो हटा दो आप, जैसे 1 किलोग्राम पानी लिया था मैंने, अब देखो यहाँ पर कितना ग्राम पानी ले रहे हैं, सिर्फ ओनली 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम पानी लेंगे यहाँ पर। अगेन 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और कितना, 1 ही डिग्री बढ़ेगा। 14.5 से 15.5 कितना बढ़ेगा भाई, 1 ही डिग्री बढ़ेगा। तक बढ़ाने के लिए दरकार हरारत की मिकदार, तो यहाँ पर भी ये जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितनी हरारत जज्ब करेगा, उस हरारत को हम लोग क्या कहेंगे, 1 कैलोरी कहेंगे। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि पानी अगर 1 किलोग्राम लिया और उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ, 14.5 से 15.5 1 डिग्री बढ़ाया, तो जितनी भी हरारत उसने जज्ब किया होगा उसको 1 किलो कैलोरी कहेंगे। अगर 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम पानी हमने लिया, इसका दर्जा सेम 14.5 से 15.5 तक 1 डिग्री बढ़ता है, तो जितनी भी हरारत उसने जज्ब किया उसको क्या कहेंगे, 1 कैलोरी हरारत कहेंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों? बहुत बढ़िया। चलो अब उसके बाद और थोड़ा सा गौर करते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आ सकती हैं, ठीक है, खाना पूरी में कहीं पर, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन बना के देने वाला है। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं, जैसे ये तो मैं ऑलरेडी समझा चुका आपको, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी मतलब होता है, किलो का मतलब कितना होता है, 10^3 बताया ना उधर, किलो मतलब क्या होता है, 1000, 10^3, 10^3 कैलोरी होता है। अब आप बोलेंगे सर किलो तो चलो 10 की कुव्वत 3 आ गए, 1 कहाँ चला गया? तो देखो बहुत आसान है, मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, ये किलो का मतलब तो 10 की कुव्वत 3 है, तो 1 ऐसे ही रख लो, फिर जर्ब होगा यहाँ पर, और किलो यानी क्या होता है, 10 की कुव्वत 3 कैलोरी। अच्छा मुझे बताओ, 1 से जब जो भी मल्टीप्लाई करता है, जैसे 2 एक का 2, 3 एक का 3, 10 की कुव्वत 3 एक का 10 की कुव्वत 3 ही होगा ना, समझ गए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ×1 करेंगे तो यही आएगा। तो बेसिकली 1 किलो कैलोरी मतलब 10^3 कैलोरी। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है आपको, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा जो आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, 1 कैलोरी आपको बोलेगा, कैलोरी इसको लिख लीजिएगा आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ठीक है, -किलो कैलोरी, ऐसे सवाल आएगा, -किलो कैलोरी। चलो इसका जवाब क्या होगा बच्चों, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, और इसका जवाब जल्दी फटाफट कमेंट में दीजिए। 1, मैं यहाँ लिखता हूँ, शायद वहाँ से दिखाई नहीं दे आपको, 1 कैलोरी, ये वाला मिटा देते हैं, बनता है बच्चों ऐसा सवाल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ठीक है, -किलो कैलोरी। चलो फटाफट क्या जवाब होगा भाई, क्या जवाब होगा इसका, ठीक है, तो इसका जवाब होगा 10 की कुव्वत -3, ठीक है, -3 होगा, क्यों होगा, क्योंकि उल्टा पूछ रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ना, 10 का पावर 3 है, ठीक है, तो ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, किधर चला जाएगा, अपॉन में, और अपॉन से जब ऊपर आता है तो पावर इसका क्या है, प्लस है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -3। क्लियर हो गया बात? तो ये एक ऑब्जेक्टिव और एक बना लीजिएगा कि अगर इसका उल्टा पूछे तो क्या, एक कैलोरी मतलब कितना किलो कैलोरी, तो 10^-3 किलो कैलोरी। क्लियर हो गया बात? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे और चलते हैं, ठीक है, और बात कर लेते हैं। नोट कर लीजिए जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ये बोर्ड में पूछा भी गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या इंपॉर्टेंट है भाई इसके अंदर, एक कैलरी, अभी जूल में अगर कन्वर्ट करें तो किलो कैलरी और कैलरी में ही आपस में ही कन्वर्जन था, ठीक है। तो एक कैलरी यानी कितना जूल, अगर SI में हम लोग कन्वर्ट करने जाएं तो एक कैलरी यानी, याद रखिएगा इसको, इसको मैं इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखूंगा, 1 कैलरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। इसका भी उल्टा उल्टा पूछा जाता है और बोर्ड में आया भी हुआ है, समझ आ रहा है? और सब बच्चों ने जो है वो मोस्टली बच्चे जो है जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो गलत करके आए। तो 1 कैलोरी मतलब इतना होता है, लेकिन अगर आपको इसका 1 जूल इज इक्वल टू डैश कैलोरी अगर पूछ ले तो ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जूल सिर्फ चाहिए, ये 4.18 को मान ले जाइए, 1/ क्या हो जाएगा, 1/4.18 कैलोरी, तो याद रखिएगा इसको बच्चों, ठीक है। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है, इस पर सवाल बनता है। तो इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन याद हो जाए, SI CGS यूनिट याद हो जाए, का कन्वर्जन फैक्टर्स पता हो कि 1 कैलोरी मतलब कितना जूल और 1 जूल मतलब कितना कैलोरी, दोनों उल्टा सीधा दोनों करके देख लेना आप, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, और उसके बाद एक फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सुनो बच्चों, यहाँ पर आप जो है वो तीन कुर्रे देख रहे होंगे, एक लोहे का कुर्रा है, एक तांबे का कुर्रा है और एक सीसा, ठीक है, इसको लेड बोलते हैं बेसिकली। ये मेरा, ठीक है, आयन स्फीयर है, और ये मेरा कॉपर है, और ये मेरा लेड है, ठीक है, लेड जो कि PB सिंबल लिखा जाता है इसका, प्लम्बम। तो हमारे पास ये तीन मेटल्स हैं, इनको हम क्या करते हैं कि एक उबलते हुए पानी में डालते हैं, ठीक है, उबलते हुए पानी में डालते हैं, ये पानी उबल रहा है, ठीक है, पानी उबल रहा है, उबलते हुए पानी में तीनों स्फीयर को डाल दिया, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, और ये थर्ड, ठीक है। अब उबलते हुए पानी में डाला, तो उबलता हुआ पानी का टेम्परेचर कितना होता है भाई, 100 डिग्री होता है, कितना होता है बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन सब का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद सबका टेम्परेचर 100 डिग्री होने वाला है। अब क्या करना है अपने को, ये एक आपने ट्रे लिया जिसमें जो है वो मोम भरा हुआ था, एक कंटेनर जिसके अंदर सिर्फ क्या था, वैक्स था, ठीक है, मोम भरा था, मोम की मोटी तय, तो मोम की मोटी एक तय लिया बराबर, और ये तीनों बॉल आपने हाथ से नहीं उठाना, उसको बहुत गर्म है, चटका लगेगा भाई, ठीक है। तो इन तीनों बॉल को आपको जो है वो चिमटे की मदद से उठाना है और इस वैक्स के ऊपर डाल देना, तो होगा क्या, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट है, आप साइड से देख पा रहे हैं इसको कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो लोहे वाली जो बॉल है या लोहे का जो कुर्रा है वो सबसे ज़्यादा गहराई में गया, तांबे वाला उससे थोड़ा कम, और सीसा वाला क्या हुआ, उस सबसे कम, समझ आ रही बात? अब मज़े की बात क्या है, इस बात को समझिए कि तीनों का जो मास था ना, मास कमियत, मास यानी क्या, कमियत, तो तीनों की कमियत यकसा है, कमियत क्या है तीनों की, तीनों की जो कमियत है वो यकसा है, तीनों का मास जो है वो सेम है। और हम क्या करते हैं कि जब इसको मोम में डालते हैं तो यहाँ पर, और टेम्परेचर भी सबका क्या है, 100 डिग्री, 100 डिग्री, लेकिन जैसे ही मैं इसको इस मोम में डालता हूँ तो देखा हमने कि लोहे वाला जो है वो सबसे गहराई में चला गया। तो यहाँ एक्चुअल में क्या डिफरेंस है तीनों, क्योंकि तीनों का मटेरियल अलग है, तीनों अलग अलग मेटल्स हैं बराबर है, अलग अलग मटेरियल के बने हुए, तो सबकी अपनी अपनी जो एक कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की, हीट को, हरारत को जज्ब करने की, सबकी अपनी अपनी एक सलाहियत होती है, ठीक है। जो जितना जज्ब करेगा, ठीक है, वो उतना क्या करेगा, उतनी हीट को खारिज करेगा, उतनी हीट को, उतनी हरारत को निकालेगा। तो आप मुझे बताएं कि वीडियो स्टॉप करके आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं मुझे, अभी आगे का ना देखते हुए पहले, ठीक है, स्टॉप करके आप देख सकते, कमेंट कर सकते हैं। तो क्या
कौन सी गेंद ने या कौन सी कुर्रे ने जो है हरारत सबसे ज्यादा निकाली, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करेगा वही निकालेगा। तो यहाँ लोहे वाला जो है ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया था, इसलिए क्या किया उसने, जब उसको मोम में डाल रखा गया तो वो हीट ज्यादा निकाल रहा है, जिसकी वजह से मोम को क्या कर रहा है, ज्यादा पिघाल रहा है, समझ आ रहा है। तो ज्यादा मोम किसकी वजह से पिघल रहा है, लोहे की वजह से, इसलिए वो ज्यादा गहराई में चला। यानी हरारत को जज्ब करने की सलाहियत ये मटेरियल टू मटेरियल यानी मादे पे डिपेंड करती है, कौन सा मादा है वो, समझ आ रहा है, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करती है, समझ आ गई बात। ठीक है, तो यानी इन दोनों को कंपैरिजन में समझ आया कि भाई लोहे की जो है स्पेसिफिक हीट, जो हम लोग आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हरारत को जज्ब करने की जो सलाहियत है वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू तांबा और सीसा, इसकी बनिस्बत, इन दोनों की बनिस्बत। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों में स्पेसिफिक हीट जो स्मॉल सी हम लोग आप पढ़ने वाला है, हरारते खसूसी की इस्तेदाद, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा होगी लोहे की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी बच्चों, लोहे की होगी, सी की बल, क्योंकि मास सेम है, टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमने जो है ना फॉर्मूला क्या बनाया है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें, जो हीट ये एब्जॉर्ब करेंगे ठीक है, और यह हीट रिलीज करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा और कितनी हीट जो है वो रिलीज करेगा। तो आप सुनिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़रा डिफाइन करते हैं ठीक है। हरारती खसूसी की इस्तेदाद को हम लोग इसकी तारीफ लिखते हैं, क्या होता है इसको समझते हैं ठीक है। इकाई कमियत की शय, देखो यहाँ पर ये तीनों जो हमने कुर्रे लिए थे, तीनों का मास कितना लिया था, सेम लिया था, और जो कि 1 kg ले लेते हैं, 1 किलो 1 किलो 1 किलो, तो इकाई कमियत की शय का दर्ज हरारत 1 डिग्री सेल्सियस, इसका दर्ज हरारत कितना, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, यानी इसका टेम्परेचर शुरुआत में कितना भी हो, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए दरकार हरारत, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा कब, जब हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जब यहाँ पर हमने तीनों बॉल को जब हरारत देना शुरू करी उबलते हुए पानी में, तो ये तीनों बॉल क्या कर रहे थे, हरारत को जज्ब कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जज्ब कर रहे थे। तो हर एक बॉडी का अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कुछ हीट चाहिए होगी, हरारत चाहिए होगी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत में तीनों का टेम्परेचर जो है वो 25-25 था, फॉर एग्जाम्पल कितना था, 25 डिग्री शुरुआत में इतना था। तो जैसे ही इसको उबलते हुए पानी में रखा, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा पहले, फिर इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा ठीक है। लेकिन ये वाला जो जैसे आयरन वाला आपने देखा, ये 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 25 से 26 होने के लिए, 25 से कितना होने के लिए, 26 होने के लिए, ये वाला 26 होने के लिए ठीक है, ये वाला 26 होने के लिए, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लोहे की जो कुर्रा है वो ज़्यादा हरारत लेगा, ज़्यादा हरारत एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी से नहीं होगा, बाकी सबका जो टेम्परेचर है वो जल्दी कम बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू दिस आयरन लोहे का बॉल। तो यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री बढ़ने के लिए ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये सब के सब 100 डिग्री पर पहुँचेंगे, सब सब के सब कितने पर पहुँचेंगे, 100 डिग्री पर पहुँचेंगे, तो ये 1 ही डिग्री बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हीट लेता है, और ये वाला इससे थोड़ा कम लेता है, ये वाला सबसे कम लेता है। तो जब सब 100 डिग्री पर पहुँचेंगे, तो सबसे ज़्यादा क्यू यानी हीट, क्यू यानी क्या बोलते हैं, हीट, हरारत, ये सिंपल याद रखिएगा ठीक है, क्यू जो है वो हरारत की निशानी है ठीक है। तो सबसे ज्यादा हीट हरारत किसके पास होगी, कौन सी गेंद के पास होगी, तो ये लोहे वाले के पास होगी, क्योंकि उसने ज्यादा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट लेता है। तो इसकी क्या ज्यादा है एक्चुअल में, हरारते खसूसी की इस्तेदाद, यानी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा लोहे की, यानी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो 2 डिग्री बढ़ाने के लिए ठीक है और ज़्यादा लेगा। जब दो तीनों को कंपैरिजन किया जाए 100 डिग्री बढ़ने में, तो सबसे ज़्यादा हीट किसने लिया होगा, लोहे की गेंद ने लिया होगा। तो इसलिए जब मोम में डाला तो सबसे ज़्यादा हीट कौन निकालेगा, लोहे की गेंद, क्यों, लोहे की लोहे का जो कुर्रा है वही निकालेगा, क्यों निकालेगा बच्चों, क्योंकि जो जितना जज्ब करेगा वो उतना ही क्या करेगा, खारिज करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है। ज़्यादा जज्ब करेंगे ज्यादा खारिज करेंगे। इसका मिसाल कुछ ऐसे बताऊं मैं, आप एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं ठीक है, जैसे मान लो आप वीडियो देख रही समझ रहे हैं चीजों को, तो जो जितनी चीजें समझेगा अच्छे से ठीक है, उतना ज्यादा जो है वो पेपर पर क्या करेगा, उतार पाएगा, चीजें समझा हुआ होगा तो क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाएगा।
तो जिसने यहाँ पर जो है लेक्चर मेरा यहाँ पर सुना और जज भी नहीं किया, तो फिर वो एग्जाम में क्या लिख पाएगा? कुछ नहीं लिख पाएगा। तो बेसिक सा रूल है नेचर का कि जो जितना जज्ब करेगा ठीक है, वो उतना ही क्या करेगा, खारिज भी करेगा। क्लियर हो गया बात? तो सबसे ज्यादा जज्ब कौन करता है? लोहा, इसलिए खारिज ज्यादा करता है, इसलिए वो मोम को ज्यादा पिघलाता। तो इकाई कमियत की शय का दर्जा रद्द 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, कितना डिग्री? 1 डिग्री। या कोई एक यूनिट मास है, 1 केजी ले लो आप, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हरारत वो क्या करेगा, जज्ब करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हरारते खुसूसी की इस्तेदाद। ठीक है, इसकी निशानी है स्मॉल सी। क्या बोलेंगे याद रखो पूरा, क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी कैपेसिटी का सी आया। क्लियर हो गई बात? ओके, तो निशानी आप याद रखिए, इसकी निशानी क्या है? स्मॉल सी। और मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो यूनिट मैं आपको बताता हूँ। सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पर जो है इसका इकाई ज़रा चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इकाई देख लेते हैं, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ फिर यूनिट बताता हूँ, तो एकदम एकदम मस्का बन जाएगा आपके लिए। ठीक, ओके। तो हमारे पास जो जितनी भी हरारत ये जज्ब करेगा, ये 3 चीज़ पर डिपेंड करती है। एक तो आपने जो भी जिस्म लिया, जो भी बॉडी लिया, ऑब्जेक्ट अशिया जो भी लिया आपने, उसका मास कितना है? सबसे पहली बात, उसका मास कितना है, और उसकी हर एक मटेरियल की अपनी अपनी क्या होती है, एक स्पेसिफिक हीट होती है। तो सी, हर एक मटेरियल का सबका सी अलग अलग होता है। ठीक है, और कितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया है? सी तो डिफाइन है, सिर्फ सी किसके लिए डिफाइन है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने की। ये जो समोसा टी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली चेंज इन टी है। टी यानी टेम्परेचर, चलो समझा देता हूँ मैं सारी एक चीज़। ये क्यू यानी क्या होता है? क्यू यानी कौन है? ये हीट है। ठीक है, एम, अच्छा इसको हरारत कौन है? ये हरारत है। ये इसको हम लोग मास बोलते हैं। मास यानी बच्चों याद रखो आप लोग, उर्दू में आप लोग इसको कमियत पढ़ रहे हैं। और सी तो अभी ये हमने पढ़ाई, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, या इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और ये जो है आपका चेंज इन टेम्परेचर है, या टेम्परेचर में जो बदल है बेसिकली। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर है, या तपिश में जो है वो कितना चेंज आ रहा है, समझ आ रहा है? दर्जे हरारत, ठीक है, दर्जे हरारत आप बोल सकते हैं। तो ये टी कौन है मेरा? दर्जे हरारत में बदल। ठीक है, मतलब कितना दर्जे हरारत जो है वो आपका बदला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी का टेम्परेचर शुरुआत में 25 था, तो 25 से कितना हुआ? 100 हुआ। 25 से कितना हुआ बच्चों? 100 हुआ। तो चेंज कितना हुआ टेम्परेचर 25 से 100, यानी बढ़ा कितना? पहली बात तो बढ़ा, ये समझ आ रहा है आपको? तो बढ़ा कितना? ये हो सकता है घटे, तो घटा कितना? तो कैसे निकालोगे आप? तो 100 में से आप 25 को निकाल दीजिए, तो 75। तो ये वाले एग्जाम्पल में अगर बात करें, तो 75 डिग्री जो है वो क्या होगा मेरा? चेंज इन टेम्परेचर होगा, यानी टेम्परेचर कितना चेंज होगा, दर्जा हरारत कितना बदलेगा, ये वो है। तो समोसा टी समझ आ गया आपको क्या है? तो चेंज इन टेम्परेचर इसको ऐसे भी लिखा करते हैं, डेल टी इज इक्वल टू, दो टेम्परेचर आपके पास जो भी होगा उसको माइनस करना है। अब ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ T1 माइनस T2 ऐसे ही लिखें, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं, हायर टेम्परेचर क्या लिखूँगा, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ज़्यादा वाला टेम्परेचर पहले, क्योंकि आपको पॉजिटिव आना चाहिए, माइनस में नहीं लेकर आएंगे। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो बहुत आसान है चीज़ें समझना, बस आपको फॉर्मूला किस तरीके से आता है। तो आप सुनिए क्या फॉर्मूला बोल रहे हैं हम लोग, जो कोई भी जिसम, उसका मास कितना भी हो, उसका टेम्परेचर हमने कितना भी चेंज किया हो, उसका स्पेसिफिक हीट पता है सी। ठीक है, तो टेम्परेचर आपने 25 से 100 डिग्री जब किया, और उसका मास कुछ भी होगा, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, तो ऐसा करने वो कितनी हरारत जज्ब करेगा, या कितनी हरारत वो खारिज करेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो ये जो क्यू का फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, हरारत जज्ब के लिए भी है, हरारत
जज्ब के लिए भी है और खारिज के लिए भी। क्यों ऐसा? क्योंकि जितना जज्ब करेगा उतना ही खारिज करेगा, इसलिए दोनों के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। तो हरारत जज्ब के लिए भी बोल सकते हैं, या करके बोल देता हूँ, या आप क्या बोल सकते हैं, हरारत खारिज करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखें, हरारत जज्ब ठीक है और हरारत खारिज, तो दोनों के लिए जो है ये जाप्ता है। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, सुनिए। एम सी समोसा टी, क्या बोलोगे? अब आपको याद होगा, देखो मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड गए हैं कभी? नहीं गए मैकडोनल्ड, ठीक है। मैकडोनल्ड में तो क्या मिलता है भाई? बर्गर मिलता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैकडोनल्ड में क्या मिल रहा है? समोसा टी। क्या मिल रहा है? समोसा टी। बर्गर की जगह क्या मिल रहा है? तो मैकडोनल्ड में मिल रहा है क्या भाई? समोसा और टी, समोसा और चाय। क्यों क्यों मिल रहा है भाई? हैं, वो तो बर्गर मिलता है वहाँ, ठीक। तो मैकडोनल्ड में मिल रहा है क्या? मैकडोनल्ड में समोसा टी, क्यों? तो ये क्यों का फॉर्मूला हो गया। बोलो बच्चों, याद हो गया आपको सबको फॉर्मूला? हरारत जज्ब या हरारत खारिज के लिए क्या ज़ाब्ता याद करेंगे? एम सी समोसा टी, एम सी समोसा टी, वेयर क्यू इज हीट, जिसको आप हरारत बोलेंगे। एम क्या है? मास, कमियत। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हरारत खसूसी की इस्तेदाद। और समोसा टी कौन है? चेंज इन टेम्परेचर, यानी दर्जे हरारत में बदल। दर्जा कितना बदला, घटा या बढ़ा? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बढ़ेगा कब? जब हरारत जज्ब करेंगे, और घटेगा कब? जब हरारत खारिज करेंगे। समझ आ रही बात? अगर आपकी बॉडी से जो है आप हीट निकाल लिया जाए तो आप ठंडे हो जाएंगे, तो बेसिकली क्या हो गया, आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। हीट निकल गई तो, हरारत निकल गई तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अगर आप हरारत को जज्ब करते हैं तो आपका टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। समझ आ रही बात? सिंपल सी बात। ओके, तो यहाँ से सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सुनिएगा। एम यहाँ, एम और ये समोसा टी यहाँ जर्ब कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे डिवाइड करेंगे, यानी ये नीचे आ जाएगा एम, ये समोसा टी भी क्या हो जाएगा नीचे, यानी जाप्ता बन जाएगा क्यू बटे एम समोसा टी, और वहाँ इक्वल के उस तरफ क्या बचेगा? सी बचेगा सिर्फ, देखिए ठीक है। तो इसी को मैंने जो है थोड़ा सा ऐसे घुमा के सी इज इक्वल टू क्यू बाय एम समोसा टी ऐसे लिख दिया, समझ में आ रहा, ठीक है। अब सुनिए ये किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऊपर से थोड़ा सा मैं ये चीज़ें मिटा दूँ, सब जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, सी इज इक्वल टू, जो कि नीचे यहाँ पर है, क्यू बाय एम समोसा टी, एक बन गया सी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया? सी का फॉर्मूला बन गया। तो हम याद करें कि हरारती खसूसी के इस्तेदाद को हमने क्या बोला, कि जब मास कितना हो? वन हो। मास कितना हो बोलो? वन। कमियत कितनी हो? एक, इकाई कमियत। और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा हो? 1 डिग्री सिर्फ। तो चेंज, ये जो समोसा टी है ये भी कितना? वन हो। तो वन इंटू वन क्या होता है? वन होता है, एक जरब एक एक, यानी किसके बराबर आ गया? क्यू। तो सी किसके बराबर आता है? हरारत के बराबर आता है। तो सी क्या है? जब किसी जिस्म का जो कमियत हो वो एक हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया जाए, तो जितनी भी वो हरारत हरारत यानी हीट जज्ब करेगा उसको क्या कहेंगे? सी कहेंगे। सिंपल सी बात। तो ये इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया, ठीक। अब उसके बाद आगे सुनिए, अब आगे सुनिए, यहां सी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चों? क्यू बटे एम समोसा टी। अब मैं आपको यूनिट की बात करता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, क्या करना है, डिफाइन याद हो, फॉर्मूला याद हो और उसकी इकाई याद हो। समझ आ रही बात? बस इतना चीज है, और उसका अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आनी चाहिए चीज है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। क्यों हमारा हरारत है, तो अभी मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा भाई? जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? जूल आ जाएगा। मास एसआई यूनिट में किलोग्राम में मेजर किया जाता है, मास कायम होगा किलोग्राम। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये हम लोग डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी केल्विन लिखने में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस या केल्विन दोनों बराबर बराबर होते हैं, ये हायर क्लास में आप सीखेंगे, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अभी अपने को जो दिया है वही लिखते हैं, क्लियर हो गया बात? चलो, क्योंकि उसका फिर पीछे का पूरा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, अभी इतना जरूरत नहीं।
तो आप याद रखिए, जब आपको एसआई यूनिट की बात होगी तो इधर देखो क्यू की जगह क्या है जूल, मास की जगह क्या है केजी, और ये समोसा टी की जगह है डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस है। तो देखो एसआई निज़ाम में हरारत खसूसी यानी सी हरारत खसूसी की इस्तेदाद की इकाई जो आ रही है वो आ रही है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। देखो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा इसको कैसे, ये बेसिकली जो आपको लिखा हो गया केजी डिग्री सेल्सियस दोनों साथ साथ में है, अपॉन में है, तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। बोलो याद रखने का तरीका समझ आया, कैसे याद करोगे जूल पर आया कैसे, ये भी मैंने आपको बताया। खैर सेम हम लोग अगर सीजीएस में बात करें, किस में बात करें सीजीएस में, तो यही हरारत ठीक है जूल में नहीं काय में बात की जाएगी, कैलोरी में बात की जाएगी। किस में बात की जाएगी बच्चों, कैलोरी में, और मास जो है वो किलोग्राम में नहीं ग्राम में बात किया जाएगा। समझ आ रही बात, और ये चेंज इन टेम्परेचर का तो डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बस ये चेंज होगा याद। तो कैलोरी देखो अगर आप यहाँ देखें कैलोरी ठीक है पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ये यूनिट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सीजीएस निज़ाम में, कौन से निज़ाम में सीजीएस निज़ाम, ठीक है बच्चों ठीक है। अच्छा यही वाला यूनिट जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैलोरी की जगह पर देखो अगर आप के लाना चाहते हैं यहाँ पर तो दोनों तरफ ला सकते हैं इसको, किलो कैलोरी अगर, और मास को जो है वो आप केजी डिग्री सेल्सियस ऐसे करके बोलो। देखो यहाँ पर किलो किलो दोनों जगह आ गया, तो ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है इक्वल है। क्यों इक्वल है सुनिए, देखो ये किलो मतलब हज़ार, ये किलो मतलब हज़ार, ये दोनों कट जाएगा तो वापस से ये मिल जाएगा, तो हमने ऊपर अगर के लाया तो नीचे भी ले आया, तो ये दोनों क्या है इक्वल होंगे याद रखिएगा ठीक है। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब मास जो है वो किलोग्राम हो जाएगा केजी में हो जाएगा, तो ये कैलोरी भी जो है वो किलो कैलोरी में हो जाएगा जो एनर्जी, अंडरस्टूड, क्योंकि के कट करोगे तो ये इक्वल होते हैं याद रखिएगा। ये भी कहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं पूछ सकता है अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया तो, अंडरस्टूड बच्चों ठीक। तो अब क्या करें, अब हमको ये बस फॉर्मूला याद करना है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए बच्चों, बड़े काम का फॉर्मूला है, 2 मार्क्स आपको यूं कमा के देगा अगर इसका न्यूमेरिकल आपको आ जाए तो ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिए, मैकडोनल्ड में समोसा टी, मैकडोनल्ड में क्या मिल रहा था एम सी, एम सी मैकडोनल्ड के लिए लिखा जाता है ना ऐसे शॉर्ट में, तो एम सी समोसा टी, एम कौन है कमियत है, सी कौन है हरारत खसूसी की इस्तेदाद है, और समोसा टी कौन है ये दर्जे हरारत में बदल है, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, चेंज इन टेम्परेचर है ठीक है, और क्यू कौन है हरारत है, तो क्यू का जाप्ता ये हरारत कितना जज्ब किया या कितना खा, दोनों का सेम फॉर्मूला, क्योंकि जितना जज्ब करेगा उतना ही क्या करेगा भैया, उतना ही खारिज करेगा ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ अब आपको टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें इस सी की वैल्यू, देखो हरारती खसूसी की इस्तेदाद यानी स्मॉल सी, यानी कौन स्मॉल सी की वैल्यू आपको जो है वो अलग अलग अशिया के लिए दिए गए ठीक है। उसमें कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ हमारे पास मेटल्स हैं बराबर है, कुछ माय अशिया हैं, और कुछ जो है हमारे पास कुछ धात हैं ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सॉलिड वाला या पारा जो है वो लिक्विड में होता है। इन सब में अगर आप मुझसे पूछोगे सर कौन सा इंपॉर्टेंट है जो हम याद कर ले तो न्यूमेरिकल जो है वो आसान हो जाए, देखो मैंने एरो करके बताया हुआ है यहाँ पर, एक तो पानी का स्पेसिफिक हीट आप याद कर लीजिए, पानी की जो सी की वैल्यू है वो कितनी है 1.0, 1.0 मतलब 1, तो स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर याद रखिएगा किसके लिए, स्पेसिफिक हीट का सिंबल क्या है हरारत खसूसी की इस्तेदाद की सिंबल क्या है सी, वाटर के लिए मैंने लिखा बेस पर डब्लू, तो ये वैल्यू होती है 1, 1.0 और 1 ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे यहाँ यूनिट लिखा हुआ है, अभी सी का यूनिट हमने देखा भी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा मैं जब कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूँ तो इसकी जगह आपको मैंने बताया कि 1 ऐसी रहेगा, जब मैं ऊपर के लेकर आता हूँ तो नीचे भी के लिख सकता हूँ, यानी 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये भी लिख सकता हूँ। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको न्यूमेरिकल में समझ आ जाएगा, जब भी आपको कमियत ठीक है, जब कमियत जो है वो आपको अगर किस में दिया गया है किलोग्राम में दिया गया है, तो हम जो है 1 तो नंबर तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर यूनिट कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा याद रखिए, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, क्लियर हो गया बात। चलो इसी तरीके से तांबे का याद लीजिए, तांबे का बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब तांबे का जो है वो 0.095 लिखा जाता है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बताता हूँ
कि आपको न्यूमेरिकल के लिए कितना याद रखना है। देखो अगर ये 5 को कभी राउंड ऑफ वगैरह आपने किया होगा लोअर क्लास में, तो 5 को अगर मैं हटाता हूँ तो उसके, क्योंकि ये 5, ये 5 से ज़्यादा बड़ा रहता है, तो क्या होता है कि जब इसको राउंड ऑफ करता हूँ 5 को हटाता हूँ तो ये नंबर 1 बढ़ जाएगा। अब ये है 0.095, अगर मैं ये 5 को हटा दूँ राउंड ऑफ करूँ तो ये नंबर बढ़ जाएगा। अब 9 जब 10 बनेगा तो उसका 0 यहाँ रहेगा और 1 इधर रहेगा, तो ये बेसिकली 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 0.1। तो इसको याद रखिएगा आप, 0.1 तांबे का अगर आपको करना है तो 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया बात बच्चों? ठीक है, याद कर लीजिए अभी से, अभी याद कर लीजिए। इनमें एक कंपैरिजन याद रखिए कि पानी का जो सी का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, 1 है, और बाकी देखो 0.554, 0.52, 0.2, देन 0.1, 0. ये भी अप्रोक्सीमेटली 1, 0.056, 0.033। तो इनमें सबसे कम अगर आप देखें तो पारे का जो स्पेसिफिक हीट है वो सबसे कम है, और सबसे ज्यादा अगर देखें तो वो पानी का है। क्या बोला, समझा? सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसका है? पानी का। और सबसे कम किसका है? पारे का। देखो पानी और पारा, पानी का सबसे ज्यादा है और पारे का क्या है? सबसे कम। सी की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट, हरारते खुदूस की इस्तेदाद। और जिसमें याद रखने वाला जो मैंने आपको बोला वो कौन है, इसको जरा देख लीजिएगा, सी ऑफ वाटर, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, या उसको बोले हरारते खुदूस की इस्तेदाद, किसकी? पानी की। पानी की हरारते खुदूस की इस्तेदाद ये होती है 1। कितनी होती है? 1। यूनिट दोनों याद रखेंगे, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो किलो कैलोरी वाला ही मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, किलो कैलोरी केजी डिग्री सेल्सियस बोलो, या तो आप 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कमियत काहे में दिया गया है। कमियत अगर आपको ग्राम में दिया है तो हम यही यूनिट लिखेंगे, कमियत अगर किलोग्राम में तो हम यही यूनिट लिखेंगे। क्लियर हो गया बात? अच्छा, और सी ऑफ कॉपर, कॉपर को CU लिखूंगा मैं, ठीक है, CU उसका सिंबल है ना, कॉपर का, ठीक। तो ये कितना है? 0.1, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉपर का कितना? 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, और आप बोल सकते हैं 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इस टेबल में ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसको याद कर लीजिएगा भैया, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हरारत का तबादला, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन भी बना है जो कि आपको कम से कम जो है ना वो 4 मार्क के लिए आ सकता है, पैराग्राफ दिया हुआ है और उसको देखकर जो है वो सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं क्या है। पहली बात तो ये माने हरारत बॉक्स क्या होता है, ठीक है, बक्स, बक्सा बेसिकली बॉक्स है, ठीक है। माने हरारत क्या है? रेजिस्टेंट बॉक्स है, ठीक है, रेजिस्टेंट, लेकिन हीट रेजिस्टेंट बॉक्स है। कौन सा ये? हीट रेजिस्टेंट बॉक्स, यानी ये हीट को रोक लगाता है, यानी जो हरारत है वो बाहर से अंदर नहीं आ सकती और अंदर से बाहर नहीं जा सकती, नॉट अलाउड। तो ये ऐसा बक्सा है जो हरारत को अंदर बाहर आने नहीं देता, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड। हरारत का जो बदल है अंदर से बाहर, मबदल बेसिकली, अंदर से बाहर एक्सचेंज, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ठीक है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ये अलाउड नहीं है इसको। तो ये माने हरारत बॉक्स, समझ आ रहा है, रेजिस्टेंट बॉक्स, हीट रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, जो मना करता है हीट को, भाई नहीं तुमको आना अलाउड नहीं है ना तुमको जाना अलाउड है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ऐसे बॉक्स के अंदर हम दो शय लेने वाले हैं, एक सर्द शय, देखो यहाँ लिखा हुआ है आपको, ठीक है, एक क्या लिया गया बच्चों? एक सर्द शय लिया गया है, ठीक है, एक बहुत ही ठंडी है, और एक गर्म शय लिया गया, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम बाजू बाजू में रख देंगे, ठीक है, आजू बाजू में रख देंगे, बाजू बाजू में रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? ये सर्द शय जो है गर्म शय से हीट लेने लगी, क्योंकि हरारत कहाँ से कहाँ जाती है? जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से कम टेम्परेचर की तरफ। तो आपको पता है सर्द वाले का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, और गर्म वाले का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। तो
तो जो हीट है वो आपकी फ्लो करेगी, वो फ्लो करेगी आपकी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी बच्चों, वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, ठीक है, गर्म से सर्द की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। और कहीं तो फिर अलाउड ही नहीं है बाहर जाना, हीट को हरारत को अलाउड ही नहीं, तो इन दोनों आपस में जो है बेसिकली एक्सचेंज कर रहा है। तो यहाँ से हीट यहाँ चली गर्म से सर्द की तरफ, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर बाद में फर्दर फ्लो जो है वो आगे का जो बहाव है वो क्या होने वाला है, अब रुक जाएगा। लेकिन इसमें हम क्या सीखते हैं, इस बात को समझिए, ये गर्म शैन है, ये गर्म वाली जो शय है, इसने मान लीजिए 100 जूल एनर्जी दी, कितनी एनर्जी, 100 जूल हरारत अपने अंदर से निकाली, तो ये इसके पास कितनी हरारत आई होगी, इसने जितनी निकाली इसके पास उतनी ही एनर्जी, उतनी ही हरारत आई, क्योंकि और कोई लेने वाला नहीं है, बाहर हरारत को अलाउड नहीं है, तो ये जितनी भी हरारत अपने अंदर से निकालेगा पूरी की पूरी कौन ले लेगा भाई, ये सर्द शय के पास आ जाएगी। तो हमने क्या कहा सुनिए, ठीक है, ये जो मबदल हरारत का कुलिया है, या जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, प्रिंसिपल ऑफ उसूल, बेसिकली कुलिया क्या है, एक उसूल, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ सुनो, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट क्या है बच्चों, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिस्टम किसको बोला जाता है आप समझिए, ये जो मेरे पास दो बॉडी है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम किसको बोला जाता है, साइंस की भाषा सिस्टम उसको बोलते हैं, वो पार्ट यूनिवर्स का, कायनात का वो हिस्सा विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, या जिसको हम समझ रहे हैं, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। तो हमारा सिस्टम कौन हुआ, सिर्फ ये दोनों, सर्द शय और कौन, गर्म शय। अब इनके अलावा सब चीज़ मेरे लिए जो है इसके सराउंडिंग कहलाती है, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो सिस्टम ये, इसको हम अलग कर दिए, इसको दुनिया से अलग कर दिए, कैसे अलग कर दिए, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में डाल दिया ना, तो इसका राबता दुनिया से खत्म हो गया, क्योंकि इसकी जो हरारत है वो बाहर नहीं जा सकती, बाहर वाले के अंदर नहीं आ सकती, तो इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, कहते हैं इसको आइसोलेट कर दिया हमने, समझ आ रहा है। जैसे अभी कोरोना के वक्त आपने सुना होगा कि आइसोलेशन चैम्बर में रख दे रहे हैं 15 दिन के लिए, आइसोलेट कर दे रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक जो है वो कमरे में जो है आपको अकेले रख दिया जाता है, बराबर, तो सबसे अलग कर दिया, दुनिया से रابطہ खत्म। तो उसी तरीके से इसको आइसोलेट कर देते हैं ताकि बाहर से कुछ हीट ये एब्जॉर्ब ना करे और ये इसकी बाहर ना जाए, ताकि हमको समझ आए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो सिस्टम अलग करने पर, यानी माने हरारत, देखो सिस्टम को अलग कर दिया यानी कहाँ रख दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स में, यानी माने हरारत बॉक्स में दोनों अशिया रखने पर बाहरी हरारत अंदर जा सकेगी ना, ना यहाँ देखो, बाहरी हरारत अंदर जा सकेगी ना अंदरूनी हरारत बाहर आ सकेगी, यानी अंदर वाला ना बाहर जा सकेगा ना बाहर वाला अंदर, हरारत की बात चल रही है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसा करने पर हमको एक जो है वो उसूल समझ आया, एक कुलिया समझ आया, कुलिया क्या है कि गर्म शय से खारिज करदा हरारत, गर्म शय ने जितनी हरारत खारिज करी, सर्द शय ने उतनी ही हरारत क्या करी, जज्ब करी। तो गर्म शय से खारिज करदा हरारत इज इक्वल टू सर्द शय की जज्ब करदा हरारत, समझ आ गया। इस कुलिये को ही क्या कहते हैं, मबदल हरारत का कुलिया कहते हैं, समझ आ रहा है, मबदल मतलब एक्सचेंज, ठीक है, क्लियर हो गया बात, जो मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, तो उसने दिया इसने लिया, इस तरीके से एक्सचेंज हो, कुछ आई बात समझ, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पे सवाल आपके बनते हैं। जो पीछे टेक्स्ट बुक में आपको और एक चीज, आप इसको ध्यान रखेंगे क्या क्या सवाल और बनते हैं, तो आपको पूछता है कि भाई पैराग्राफ लिखा होगा और नीचे जो चार सवाल आपको पूछे जाएंगे 4 से 5 मार्क के लिए, इस पे आपको हो सकता है 2 मार्क मिले इतने पे ये सवाल, क्योंकि मबदल हरारत का कुलिया क्या है बयान कीजिए, ऐसा करके एक सवाल रहेगा आपको, ठीक है। और एक सवाल रहता है कि हरारत कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, समझ आ रहा है, तो हरारत कहाँ से कहाँ बहेगी, तो आपका जवाब क्या होगा, गर्म शय से सर्द शय, गर्म शय से सर्द शय की तरफ, क्लियर हो गया बात, ठीक है। और भी कुछ सवाल ऐसे बनते हैं बेसिक, वो आप जो है वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
ये बेसिक फंडा हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट बच्चों, हरारती खसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश और कैलोरी मीटर। तो हम क्या करते हैं, ये जो हरारती खसूसी की इस्तेदाद है यानी सी, इसकी वैल्यू निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसको एक कैलोरी मीटर की तरह का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम क्या करते हैं, देखो हरारती खसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश यानी सी की वैल्यू एक कैलोरी मीटर की तरह का इस्तेमाल करके करते हैं। तो कैलोरी मीटर जो आपके सामने एक डायग्राम बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एक कैलोरी मीटर है, जो कि आप हायर क्लास में जाते ही ये लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह पर, तो आप इस लकड़ी के बॉक्स को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कैलोरी मीटर कौन है, तो ये जो कॉपर का वेसल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो कॉपर का आपको बर्तन दिखाई दे रहा है तांबे का, ठीक है, इसी को कैलोरी मीटर कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं, कैलोरी मीटर। तो कैलोरी मीटर, ठीक है, इसको कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं स्टरर या तो हिलानी, क्या कहते हैं इसको, हिलानी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको इससे हिलाया जाता है ताकि टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। अब क्या करते हैं, ये देखो ये एक लकड़ी का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, बहुत ही प्यारा सा, और उसमें देखो यहाँ पर जो है वो वुल लगाया जाता है ना, जिससे जो है क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, जो लकड़ी का बॉक्स आप देख रहे हैं ये हमारा कौन है, एक रेजिस्टेंट बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर जैसे ये ढक्कन है, तो ये ढक्कन जो है वो ऐसे बंद कर दिया जाता है, और इसमें ये वाला जो होल आप देख रहे हैं, यहाँ से ये थर्मामीटर को ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दिया जाएगा, इसमें यहाँ से बांध कर, है ना, यहाँ पर देखो ना एक क्लिप की तरह ऐसे खड़ा हो जाएगा ये, और ये किधर जाएगा, इस वेसल में जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या करने वाले हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो आप कॉपर का वेसल देख रहे हैं, खैर इसके अंदर ही सब चीज़ें होने वाली हैं, तो एक मिनट,